उम्मीद करती हूँ आप सब बेटा खैरियत से होंगे। आज हमने चांद किताब सफा नंबर 11 ता 12 की पढ़ाई करनी है, नई कहानी की कछुआ और खरगोश। जीतने का यकीन नहीं था मगर फिर भी इसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। चलते रहो शाबाश, कोशिश करो तेज, थोड़ा सा और तेज। खरगोश मियाँ दौड़ में काफ़ी आगे थे, लिहाजा रास्ते में एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। दरख्त पर बैठी चिड़िया भी बोली, भाई खरगोश पहले दरिया के किनारे पहुँच जाओ फिर आराम करना। नहीं भाई, मैं तो आराम करके उठूँगा तब भी कछुए मियाँ से जीत जाऊँगा। ये कहकर वो मज़े से सो गया। कछुए मियाँ अपनी चाल चलते रहे और शाम होने से पहले दरिया के किनारे पहुँच गए। किनारे पर क्या पहुँचना था कि इनके साथ दौड़ते भागते और छलांगे लगाते जानवरों और उड़ते हुए परिंदों ने शोर मचा दिया। कछुए मियाँ जीत गए जीत गए। इस शोर की आवाज़ खरगोश के कानों में भी पड़ी तो वो हड़बड़ा कर उठ गए। घबरा कर इधर उधर देखा, इनके पास खामोशी थी और दूर से हिले गिले की आवाज़ें आ रही थीं। वो तेज़ी से भागे और जब हांपते कांपते दरिया के किनारे पहुँचे तो देखा कि कछुए मियाँ को हाथी मियाँ सूंड में झूला देकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और सब जानवर खुशी से नारे लगा रहे हैं। भी गुलेरी ने कछुए की गर्दन में तमगा पहनाया। खरगोश मियाँ पहले तो हैरानी और उदासी से देखते रहे, फिर उन्होंने भी बढ़कर कछुए को मुबारकबाद दी और हाथ मिलाया। सब जानवरों और परिंदों ने ये देखकर तालियां बजाई। यूं सब जानवर हंसी खुशी वापस घरों को लौट गए। शुक्रिया बेटा।